जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को हिंदी और इंग्लिश वर्जन के चित्रकला का एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहे हैं। इसको आप लोग अपना मिलाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए पहला विकल्प यह है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? पीला। काम खत्म। देखिए ओस्टवाल्ड कलर कितने रंग के होते हैं? आठ। दूसरा देखेंगे, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? जीरो नंबर का। फिर देखिए चौथा, कौन सा गर्म रंग है? लाल। फिर पांचवें में, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सात। फिर किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? HB। अच्छा ये ध्यान देंगे, कौन सा रंग गर्म होता है? इसमें लाल भी हो सकता है, पीला भी, ठीक है, तो लाल ज़्यादा परसेंट में सही है, इसलिए लाल को पीला भी गर्म रंग का संकेत है, ध्यान देंगे। फिर ये बताए हैं आप लोग को, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? HB। फिर है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन कौन सा है? या द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी द्वितीयक रंग है, बाकी सब प्राथमिक है। फिर लाल में सफ़ेद मिलाने पर क्या बनता है? हल्का गुलाबी। देखिए बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तैल रंग। हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? द्वितीयक में। फिर देखिए, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? कार्टेज। फिर देखिए, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? नहीं। लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? बैंगनी। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा करता है। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? सात। रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? आयल कलर। काले का विरोधी रंग क्या है? सफेद। लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पीला। तटस्थ रंग कितने हैं? चार। धन्यवाद दोस्तों।